हे गाइस, आ गया हूँ और एक मजेदार वीडियो के साथ। आज हमारे पास है Redmi 13C 5G। आज इस वीडियो में इस फोन का टॉप 50 प्लस अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद बहुत आसानी से आपके फोन को इस्तेमाल कर पाओगे। इस फोन में गूगल डायलर नहीं है, Redmi का खुद का डायलर है। उसकी वजह से कोई भी कॉल को बिना अनाउंसमेंट के रिकॉर्ड कर पाओगे। डायलर के अंदर आना है, सेटिंग के अंदर आ जाना है और यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर देना है। देखिए, ऑल नंबर में रहेगा, हर एक कॉल रिकॉर्ड होता रहेगा। अगर आप शेड्यूल करोगे, आप जो सारे नंबर सिलेक्ट करोगे बस वही सारे नंबर में कॉल रिकॉर्डिंग होगा। कोई भी एप्लीकेशन को पासवर्ड या फिंगरप्रिंट के मदद से लॉक भी कर पाओगे बहुत आसानी से। सेटिंग के अंदर आप लोगों को आ जाना है। यहाँ पे एप्स का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आप लोगों को ऐप लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे टर्न ऑन कर दीजिए, पासवर्ड डालिए। जो भी एप्लीकेशन को आप लॉक करना चाहते हो पासवर्ड के जरिए, मतलब ऐप जब आप ओपन करने जाओगे पासवर्ड या फिंगरप्रिंट पूछेगा, वही है ऐप लॉक। ऐप लॉक के जैसा ही कोई भी एप्लीकेशन को आप हाइड भी कर पाओगे। सिंपल सा प्रोसेस है। सिक्योरिटी का एक एप्लीकेशन दिखाई देगा, इसके अंदर आना है। यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ आने के बाद हाइट ऐप का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर आ जाना है। जो सारे एप्लीकेशन को हाइट करना चाहते हो बहुत आसानी से हाइट कर पाओगे। कोई भी इमेजेस या वीडियो या कोई भी डॉक्यूमेंट्स को अगर आप लोग हाइट करना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। फाइल मैनेजर के अंदर यहाँ पे आना है, 3 डॉट के अंदर आना है। यहाँ पे प्राइवेट फाइल का ऑप्शन दिखाई देगा। पासवर्ड सेट करके जो सारे पिक्चर, वीडियो या डॉक्यूमेंट्स को हाइट करना चाहते हो उसको हाइट कर पाओगे। ऐप ड्रॉयर में जाने के बाद देखिए, यहाँ पे व्हाइट है बैकग्राउंड, इसको भी आप लोग चेंज कर पाओगे। सेटिंग के अंदर आप लोगों को आना है, बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे ऑटो है, आप चाहो तो डार्क कर सकते हो या लाइट कर सकते हो। लाइट ऑलरेडी था, डार्क करोगे तो बैकग्राउंड टोटली डार्क हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ऐप ड्रॉयर में जाने के बाद यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि टूल, शॉपिंग, बहुत सारे कैटेगरी है। अगर आप खुद का कैटेगरी बनाना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। सेटिंग के अंदर आना है, यहाँ पे मैनेज ऐप कैटेगरीज के अंदर आना है। यहाँ पे आप लोगों को कस्टम के ऊपर टैप करना है, कुछ भी आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे SN लिख देता हूँ, Amazon, Antutu, यहाँ पे BGMI को सिलेक्ट करके टिक कर देता हूँ। अभी देखिए, ऐप ड्रॉयर में जाने के बाद SN का एक यहाँ पे कैटेगरी खुल के आया है और जो सारे एप्लीकेशन मैंने सिलेक्ट किया था वही सारे एप्लीकेशन यहाँ पे शो कर रहा है। 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, बाय डिफॉल्ट वो ऑटो या तो बंद रहता है। उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आना है। यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर रिफ्रेश रेट का ऑप्शन है। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को 60Hz रहता है, आप लोगों को 90Hz में कन्वर्ट करना है। जब आप लोग न्यू फोन खरीदते हो बैटरी परसेंटेज, इंटरनेट स्पीड मीटर वगैरह सो ही नहीं करता है, उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आना है। यहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन दिखाई देगा, स्टेटस बार का ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को ऑप्शन दिखाई देगा सो कनेक्शन स्पीड, इसको ऑन करना है और बैटरी इंडिकेटर के अंदर जाके बाहर या तो मतलब बैटरी के अंदर आप रख सकते हो बैटरी परसेंटेज को दिखाने के लिए। स्टेटस बार के अंदर ही हाइट नॉच का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों को ये नॉच पसंद नहीं है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे बॉर्डर दिया गया है। अगर आपको बॉर्डर पसंद है तो यहाँ पे नॉच को हाइड कर सकते हो। इस फोन के लॉक स्क्रीन में हर एक नोटिफिकेशन शो करता रहता है। देखिए, प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा इशू है। इसके सॉल्यूशन के लिए फिर आप लोगों को नोटिफिकेशन के अंदर आना है, लॉक स्क्रीन के अंदर आना है। यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पे डोंट शो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन कर दीजिए। लॉक स्क्रीन में कोई भी नोटिफिकेशन शो ही नहीं करेगा। रैम मैनेजमेंट में जाने के बाद ना, यहाँ पे रैम स्टेटस शो ही नहीं करता है, उसको भी आप लोग इनेबल कर सकते हो। होम स्क्रीन में 2 फिंगर से पिंच कीजिए, सेटिंग के अंदर आइए, मोर के अंदर आइए, सबसे नीचे यहाँ पे शो मेमोरी स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर दीजिए। अभी देखिए, जब आप लोग जाओगे रैम में, मतलब रैम मैनेजमेंट में, तो यहाँ पे देखिए रैम स्टेटस शो करने लगेगा। लॉक स्क्रीन में डबल टैप करोगे, स्क्रीन का जो लाइट है वाइक अप हो जाता है। बाय डिफॉल्ट ए फीचर्स भी बंद रहता है। इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आना है, लॉक स्क्रीन के अंदर आना है और यहाँ पे डबल टैप टू वाइक और टर्न ऑफ स्क्रीन व्हेन डिवाइस इज लॉक, इस फीचर्स को इनेबल करना है। उसके ठीक नीचे वाइक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, इसको इनेबल करोगे जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगा स्क्रीन का जो लाइट है वाइक अप हो जाएगा। लॉक स्क्रीन के अंदर रेस्ट टू वाइक का ऑप्शन भी दिखाई देता है, फोन ऐसा पड़ा है। इसको इनेबल करने के बाद फोन जब उठाओगे ऑटोमेटिकली स्क्रीन का जो लाइट है वाइक अप हो जाता है। इस फोन में हैप्टिक फीडबैक मिलता है, लेकिन उसको आप स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हो। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आना है। यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई देगा, वाइब्रेट ऑन टैप। यहाँ पे मीडिया में स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो जो हैप्टिक फीडबैक है ना वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इस फोन में वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। सेटिंग के अंदर एडिशनल सेटिंग के अंदर आना है। यहाँ पे थोड़ा ही नीचे वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल करके यहाँ पे मैनेज वीडियो ऐप के अंदर आके जो सारे एप्लीकेशन को आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए, YouTube पहले से ही सिलेक्ट था। अगर मैं YouTube के अंदर जाता हूँ ना, अभी देखिए एक साइड बार खुल के आएगा, ये साइड बार, यानी कि आप बैकग्राउंड में YouTube का ऑडियो प्ले कर सकते हो। ये YouTube का प्रीमियम फीचर्स जो Redmi आपको फ्री में ऑफर कर रहा है। यहाँ पे प्ले वीडियो साउंड विथ स्क्रीन ऑफ, ये फीचर्स को इनेबल करना पड़ता है। जब आप लोग पहली बार फिंगरप्रिंट को सेटअप करते हो ना, ये टच करने
करने से ओपन नहीं होता है, प्रेस करने से फिंगरप्रिंट ओपन होता है। लेकिन दोस्तों अभी से ऐसा नहीं होगा, सेटिंग के अंदर आना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड सिक्योरिटी के अंदर आना है, फिंगरप्रिंट के अंदर आना है। पासवर्ड वगैरह डालने के बाद फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन मेथड जो है यहाँ पे प्रेस है, आप टच कर दीजिएगा। जब आप लोग फिंगरप्रिंट के ऊपर उंगली रखोगे उसी टाइम फोन ओपन हो जाता है, वरना प्रेस करना पड़ता है। इस फोन में 4GB का रैम है, लेकिन देखिए बॉक्स के ऊपर 8GB रैम लिखा गया है। इसको आप 8GB रैम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए सेटिंग के अंदर, एडिशनल सेटिंग के अंदर आना पड़ेगा। यहाँ पे मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन है, यहाँ पे 4GB सिलेक्ट कर लीजिए। 4GB रैम पहले से ही था और 4GB होने के बाद 8GB हो जाएगा। देखिए ये 4GB वर्चुअल रैम है, बस कुछ काम का नहीं है। आपका जो रैम रहेगा वो 4GB रहेगा। ये जो 8GB लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर एक स्टार मार्क दिया गया है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। इस फोन में वन हैंड मोड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। सेटिंग के अंदर आना है, एडिशनल सेटिंग के अंदर आना है, वन हैंड मोड के अंदर आना है, इसको इनेबल करना है। देखिए कुछ इस तरीके से स्वाइप करोगे, वन हैंड मोड इनेबल हो जाएगा। एक हाथों से फोन को काफी अच्छी तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर पाओगे। एडिशनल सेटिंग के अंदर जेस्चर्स एंड शॉर्टकट का ऑप्शन मिलता है, बहुत सारे शॉर्टकट है, जैसे कि 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इवन यहाँ पे लॉन्च कैमरा का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। लॉक स्क्रीन में वॉल्यूम डाउन बटन को डबल प्रेस करोगे, यहाँ पे देखिए कैमरा ओपन हो चुका है। अगर आपको तुरंत ही कोई भी पिक्चर खींचना हो, इस तरीके से आप लोग कैमरा को ओपन भी कर सकते हो। फिंगरप्रिंट का भी बहुत सारे फंक्शन है। देखिए डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर करोगे तो यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर को सिलेक्ट करता हूँ। अभी देखिए फिंगरप्रिंट में 2 बार टैप करूंगा, कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। इस बार प्रेस नहीं करना है, बस टैप करना है। गेम टर्बो का ऑप्शन भी देखने को मिलता है एडिशनल सेटिंग के अंदर। देखिए यहाँ पे गेम टर्बो ऑन हो जाता है कुछ साउंड इफेक्ट के साथ, और यहाँ पे बहुत सारे गेम आ जाता है आपके फोन में, जो सारे गेम है। यहाँ से गेम खेलने के टाइम में आप कंट्रोल कर पाओगे दोस्तों, मतलब गेमिंग के टाइम में आप कंट्रोल कर सकते हो, मैसेज वगैरह आएगा कि नहीं, या किसी का कॉल वगैरह आ रहा है डो नॉट डिस्टर्ब में चला जाएगा कि नहीं, सब कुछ आप लोग सेट कर पाओगे इस फोन में। किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग टाइमर भी लगा सकते हो। उसके लिए आप लोगों को सेटिंग के अंदर डिजिटल वेलबिंग के अंदर आ जाना है। यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन का एडिक्ट हो चुके हो ना, तो यहाँ पे कमाल का फीचर्स है, जैसे कि BGM है, बहुत सारे लोग ज्यादा इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पे आके आप ऐप टाइमर को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे 1.5 घंटा सिलेक्ट किया हूँ, दिन में BGM को सिर्फ 1.5 घंटा ही यूज कर पाऊंगा, उससे ज्यादा अगर यूज करने जाऊं ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, जब तक आप लोग यहाँ पे आके ऐप टाइमर को डिलीट नहीं करते हो। अगर आप लोग ऑफिस में काम करते हो ना, और कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, आप फोकस मोड को भी इनेबल कर सकते हो। फोकस मोड देखिए यहाँ पे नहीं रहता है, हाइट सिचुएशन में रहता है। अनहाइट करने के लिए एडिट के ऊपर टैप करना है, नीचे में फोकस मोड का ऑप्शन दिखाई देगा, टैप करके ऊपर की तरफ लेकर आ जाइए, फोकस मोड इनेबल हो जाएगा, मतलब फोकस मोड दिखाई देगा। अभी इनेबल करने के लिए टैप कीजिए, फोकस मोड के अंदर चले जाओगे, नीचे में बहुत सारे एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि क्रोम का नोटिफिकेशन बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब करता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे टर्न ऑन कर दूंगा। जो भी एप्लीकेशन के ऊपर आप फोकस मोड को इनेबल करोगे, वो एप्लीकेशन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, नहीं तो इस एप्लीकेशन को ओपन कर पाओगे, और नहीं तो इस एप्लीकेशन से कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा। तो ऑफिस में बिंदास आप काम कर सकते हो, जब तक आप लोग यहाँ पे आके फोकस मोड को डिसेबल नहीं करते हो। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर टैप करके रखोगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर चले जाओगे, मतलब सेटिंग के अंदर चले जाओगे। रेजोल्यूशन आप यहाँ पे HD सिलेक्ट कर सकते हो, वीडियो का क्वालिटी 32 Mbps तक लेकर जा सकते हो। साउंड सोर्स यहाँ पे है, सिस्टम साउंड, माइक या म्यूट है। फ्रेम रेट यहाँ पे 30 FPS तक लेकर जा सकते हो। जब भी आप लोग कोई भी पिक्चर वगैरह खींचोगे ना, उसके ऊपर आप लोग वाटर मार्क को भी इनेबल कर सकते हो। कैमरा के अंदर आप लोगों को आ जाना है, यहाँ पे आप लोगों को एरो का ऑप्शन दिखाई देगा, सेटिंग के अंदर आ सकते हो, या तो यहाँ पे वाटर मार्क का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से ही आप लोग डिवाइस वाटर मार्क या आप लोग कस्टम सिलेक्ट करके कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक पिक्चर खींचता हूँ, अभी जब भी मैं कोई भी पिक्चर वगैरह ओपन करने जाऊंगा, यहाँ पे देखिए Redmi 13C 5G कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, तो यही है वाटर मार्क। ये था दोस्तों Redmi 13C 5G का टॉप 50+ अमेजिंग फीचर्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।